हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए फिगर रिक्वायर्ड है 186 का, वो भी हम पूरा करते हैं। हम समझते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमें तो घबराहट नहीं है। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है, वो बोलियां क्यों लगा रहे हैं, वो ऑफर्स क्यों कर रहे हैं। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज? तहरीक इंसाफ और काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, हिकमत अमली पर मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असेंबली में परवेज इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही ने नंबर गेम पर आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ को वाज़े मैंडेट मिला, हमारे पास वज़ीर आला के लिए तादाद मौजूद है। परवेज इलाही हमारे मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले बाज़ अफसरों ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाई, हम मिलकर चलते रहेंगे। अगर नून लीग ने शिकस्त कर ली तो स्पेशल ब्रांच क्यों हरकत में आई? उधर पंजाब असेंबली के इजलास में तहरीक इंसाफ और काफली के 176 अराकीन की शिरकत। पीटीआई और काफली ने अपने अराकीन के लिए होटल तब्दील कर दिया। गुलबर्ग के दोनों होटल छोड़ दिए गए। मॉल रोड पर होटल में 150 कमरे बुक करा लिए गए। 22 जुलाई को अराकीन काफले की सूरत में असेंबली पहुंचेंगे।